बात सेंट्रल का बात कर रहे हैं, आदेश सेंट्रल से मिलता है ना, सेंट्रल वहाँ पे किया तो उसके लिए मैंने COVID-19 नहीं था, झारखंड में इलेक्शन एक होने पूरे केंद्र जब उठ के पूरा बंगाल को घेर रखा है और ममता दीदी को जो है परेशान करके रख दिया है, तो इस समय जो है उपचुनाव मधुपुर में होने जा रहा है तो इस नमस्कार, मैं आशुतोष आनंद और इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मधुपुर उपचुनाव के कैंपेन में हम लोग अभी पूर्णिमा नीरज सिंह झरिया विधायक हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके का चुनाव प्रसार चल रहा है और क्या लगता है कि कितने मतों से जीतेंगे। नमस्कार मैम जी, सबसे पहला सवाल कि किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या श्योर है कि हफीजुल हसन जी जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज मुद्दों की कमी नहीं है इस देश में। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने अगर आप कुछ देर पहले की सभा सुनी होगी तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आज जो मिडिल क्लास है, जो गरीब आदमी है, वो परेशान है। जो भी सरकार की नीतियां रही हैं, पिछली भाजपा सरकार की, चाहे यहाँ रही हो चाहे अभी की केंद्र की सरकार की रही हो, अगर आप देखिए तो वैक्सीन तक नहीं लग रही है लोगों को, खाने को नहीं मिल रहा है लोगों को, मजदूर सड़क पर मर रहे थे, किसान को आप कुछ दे नहीं रहे हैं, आज किसान भी सड़क पर मर रहे हैं, तो क्यों नहीं जीतेंगे। मुद्दे तो बहुत सारे हैं और हाजी साहब ने मधुपुर की जनता की सेवा की है, कम से कम उनको तो श्रद्धांजलि देने के लिए। और हफीज भाई जो हैं हमारे, जो मंत्री हैं अभी मिले हैं, निश्चित तौर पर जब मंत्री मिलता है किसी क्षेत्र को तो उस क्षेत्र का विकास और ज्यादा होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोग हाजी साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे और हफीज भाई के हाथ में। हाजी साहब ने भी कुछ काम नहीं किया और उनके सुपुत्र जो है वो भी कुछ काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक प्रोपगंडा के तहत लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है मंत्री बना के कि काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। पहले भी यहाँ से लोग मंत्री रहे हैं, आपके साथ जनता है, पूछ लीजिए उन्होंने क्या काम किया है। पहले के भी अगर यहाँ मुख्यमंत्री थे, कहने के लिए बहुत सारा काम किया था उन्होंने, हार क्यों गए, प्रश्न तो ये भी उठता है ना। तो ये तो जनता तय करेगी, ये प्रश्न हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो कौन जीतेगा और कौन हारेगा, वो बड़ी समझदार होती है, किसने काम किया। और काम का मतलब आप क्या समझते हैं, सिर्फ लंबी लंबी रोड बनाना और बिल्डिंग बना देना। काम का मतलब होता है कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। अगर आप किसी के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अगर आप उसके हाथ में कमाने के लिए कुछ दे सकते हैं कि वो 100 रुपया 10 रुपये कमाने लायक हो जाए, वो काम होता है। बड़ी बड़ी सड़कें बना देना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देना, कमीशनखोरी करना, ये काम नहीं होता है। कह रहे हैं कि झारखंड में रोजगार की समस्या उत्पन्न है और इस पर सरकार जो वादा की थी उस पर काम नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल कर रही है, कैसे आप कह सकते हैं इसको। लेकिन जो स्पीड होनी चाहिए, जो रफ्तार होनी चाहिए, उसको तो पूरे विश्व में कोविड ने रोक दिया है। तो झारखंड कहीं मंगल ग्रह पे तो है नहीं, झारखंड है तो हिंदुस्तान में ही। तो निश्चित तौर पर प्रयासरत है सरकार, चाहे आप नियुक्तियों को देखें, नियुक्तियों को लेकर खिलाड़ियों की नियुक्तियां हो रही है, JPSC कराने कर कि एक तो रिजल्ट आ गया छठी JPSC का और आगे 7वीं 8वीं 9वीं कराने का भी प्लान है। तो होमगार्ड का आज जो निर्णय आया है, पारा शिक्षक के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने अभी जो हमारे पुलिस के कर्मचारी हैं उनके CPL अवकाश की भी और उनके जो TA है उसकी बात की थी, तो लगातार हर विधायक जो आज सत्ता पक्ष में है प्रयासरत है कि झारखंड की जो समस्याएं हैं उनका जो है हम निराकरण कर सकें। कह रहे हैं कि रांची में जिस तरीके से, रांची ही नहीं पूरे झारखंड में जिस तरीके से कोविड महामारी है उस पर सरकार ध्यान नहीं देके पूरा कैबिनेट जो है मधुपुर उपचुनाव में लगी हुई है। नहीं, सरकार ध्यान दे रही है। बंगाल में तो वही हो रहा है ना, सिर्फ झारखंड का तो हाल नहीं है, बंगाल का भी हाल है ना। बंगाल में हो रहा कि नहीं कोविड, बंगाल में है या नहीं है, बंगाल में है कि नहीं है, लाखों का रैली निकला कि नहीं निकला वहाँ पर, झारखंड में कहाँ पे, फिर सेंट्रल का बात कर रहे हैं, बात सेंट्रल का बात कर रहे हैं, आदेश सेंट्रल से मिलता है ना, सेंट्रल वहाँ पे किया तो उसके लिए मैंने COVID-19 नहीं था, झारखंड में इलेक्शन एक होने, पूरे केंद्र जब उठ के पूरा बंगाल को घेर रखा है और ममता दीदी को जो है परेशान करके रख दिया है, तो इस समय जो है उपचुनाव मधुपुर में होने जा रहा है, तो इसके चलते हमारे मुख्यमंत्री आए तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तरह से तत्परता एक मुख्यमंत्री को दिखाना चाहिए कोविड को लेकर, वो नहीं दिखा रहे हैं। आज आपको सेकंड वेव जो अभी पिछले एक हफ्ते से है वो दिखाई पड़ रही है, आपको उनकी तत्परता नहीं दिखाई पड़ रही है। जब पहली बार हुआ था तब आपको उनकी तत्परता नहीं दिखाई पड़ी थी, बड़ी जल्दी भूल गए आप तो फिर इस बात को कि किस तरह श्रमिकों के लिए हमारी सरकार दिन रात खड़ी थी, चाहे वो कॉल सेंटर्स हो, चाहे वो उनको वापस लाना हो, चाहे वो पहली ट्रेन हो, चाहे वो पहली फ्लाइट हो, जो झारखंड आई उन्होंने किया कोविड के टाइम में, एक MOU किया BRO के साथ, 1600 मजदूरों को यहाँ से भेजा, इस पे कि इन्हें उचित मुआवजा, उचित पैसा मिलेगा तभी हम यहाँ से भेजेंगे। आज फिर वही हालत, फिर लोग यहाँ से चले गए, आज फिर वापस आ रहे हैं, स्वागत है उनका, उनका तो हम टेस्ट करा रहे हैं। और आज इस बार आप देखिए तो यहाँ पर धान की उपज जो है झारखंड में कितनी बेहतर हुई पिछले, क्योंकि लोग यहाँ आए, बस उन्हें रोजगार मिला,
चाहे वो आप बिरसा हरित ग्राम की बात कीजिए या आप मनरेगा, मनरेगा की मजदूरी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी ना, तो प्रयासरत प्रयासरत है कि नहीं है सरकार? क्या एक दिन में बदलाव हो जाता है? इंग्लिश में कहते हैं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं किसी के जीवन को बेहतर बनाने में, सुधारने में। यहाँ तो 3.25 करोड़ की जनता है, लेकिन ये सरकार प्रतिबद्ध है कि वो किसी एक के लिए काम नहीं करेगी, वो ये सबके लिए, ये सबकी सरकार है। क्या लगता है किसने अंतराल से जीतेंगे इस पे? देखिए अब इतना विश्लेषण तो मैंने नहीं किया है, मुझे बस पता है जीतेंगे, जीतेंगे। देखा आपने, हमारे झरिया की विधायिका, झरिया की विधायक पूनम जी थी और उन्होंने कहा कि यहाँ भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हफीजुल हसन जो है भारी बहुमतों से जीतेंगे और जनता की सेवा में लगातार रहेंगे और आम लोगों की समस्या को है सुलझाने का काम करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।